कानपुर में आज उस वक्त अचानक हड़कंप मच गया जब गुजैनी थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर इलाके में बनी 120 फीट ऊंची पानी की टंकी पर एक महिला चढ़ गई, आत्महत्या करने की कोशिश करने लगी। महिला को पानी की टंकी पर चढ़ा दे के स्थानीय लोगों में हलचल मच गई। इसके बाद मामले की जानकारी लोगों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर गोविंद नगर थाना पुलिस और आलाधिकारी पहुंचे। महिला को मना कर नीचे उतारने की कोशिश शुरू की मगर महिला किसी कीमत पर नीचे उतरने को तैयार नहीं थी। दरअसल टंकी पर चढ़ी महिला का आरोप कि उसके पति कुछ दिन पूर्व अचानक गायब हो गए, जिसकी गुमशुदगी दर्ज हुई मगर बाद में पता चला उसके पति की हत्या हो गई। जिस मामले की जांच अब पुलिस ने की तो हत्या की घटना में मृतक महिला के भाइयों को ही पुलिस ने हत्या का आरोपी बनाकर जेल भेजा, जिससे नाराज होकर महिला आज पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ न्याय की गुहार लगाते हुए पानी की टंकी पर चढ़ गई। मामले की सूचना पर पहुंचे एसीपी नौबस्ता अभिषेक पांडे घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद महिला को आश्वासन देकर पानी की टंकी से नीचे उतरवाया। वहीं ये पूरा हाई प्रोफाइल ड्रामा लगभग 4 से 5 घंटे चलता रहा, जबकि पुलिस ने पहले देवर को गिरफ्तार किया। पीड़िता की माने तो उसका कहना है कि दादा नगर फैक्ट्री एरिया चौकी इंचार्ज गीता सिंह लगातार उन्हें धमकी दे रही थी। उन्होंने गलत तरीके से उनके भाई को जेल भेज दिया। पुलिस ने पहले देवर को गिरफ्तार किया। पीड़िता लगातार मामले की निष्पक्ष जांच चौकी इंचार्ज पर कार्रवाई करने की मांग करती नजर आई। ऊपर छत पे उसके चढ़ गई है तो ये पता चला कि इनके पति की एक गुमशुदगी लिखी गई थी जिसमें बाद में बॉडी बरामद हुई और उसमें बाद में विवेचना हुई है जिसमें इनके दो भाइयों को जेल भेजा गया है और इसी बात को लेकर वो नाखुश थी, इसी को लेकर वो चढ़ गई थी। बाकी उसमें अभी विवेचना प्रचलित है। अब तमाम अब तो एक घंटे से बातचीत की जा रही थी, उसमें सारी चीज़ें मुकदमे से लेके घर परिवार जो भी चीज़ें हो सकती है अपनी बातचीत। गीता सिंह जो चौकी इंचार्ज उन पर आरोप लगाया कि अवैध शब्दों को इस्तेमाल, एक्चुअली अभी इस मामले में मुझे पूरी जानकारी भी नहीं है। ये दूसरे सर्किल का मामला भी है, एक्चुअली ये यहाँ पे चढ़ी हुई थी इसलिए ये हम लोग यहाँ पे आए हुए थे। हमारे आदमी का मर्डर करा दिया गया, 2 लाख का लोन उठवाया हमारे आदमी के एडी में, 2 लाख का लोन उठवाया गया, उन्हीं के साथ में थे, उन्हीं के साथ से 27 तारीख को गए, पिछली 27 को इस तरह की गीता मैडम दे रही है डेट। और गीता मैडम ने 60,000 रुपया लिया अजय चौहान से, वो यहीं के गुजैनी के रहने वाले। किसके ऊपर आरोप लगा रही हो आप? दो शख्स थे हमारे, अजय चौहान और अजय चौहान के साथ में एक और है। शिकायत की थाने में तो क्या कार्रवाई हुई अभी तक? कार्रवाई, अजय चौहान को बुलाया गया, पूछ जांच किया गया, बंद किया गया, अंदर करने के बाद उसको ले दे के छोड़ दिया गया। छोड़ने के बाद चौकी से भी थाने से भी, उसके बाद में हमारे भाइयों को बुलवाया गया, 8 दिन थाने में रखा गया, हमको कोई जानकारी नहीं दी गई। घर से जब हमको जानकारी मिली, हमारी भाइयों ने फोन किया, हम जब वहाँ गए पूछने तो गीता मैडम मुझको भगा दिया, गंदी गंदी गाली दिया, कह रहे कि तूने अपने भाई से मरवा दिया, अपने आदमी को मर्डर करवा दिया, जा अब दूसरी शादी कर जाके। गीता सिंह कौन है? गीता सिंह चौकी इंचार्ज है। आप क्यों चली थी कार शैली से? नाराज हो गया। गीता मैडम कह रही थी कि जाओ दूसरा आदमी ढूंढो जाके, तुम्हारे भाइयों ने मर्डर कर दिया, हमारे भाइयों को न्याय मिलना चाहिए। हमारे भाइयों कुछ नहीं, ऐसा कोई नहीं है, हमारे जो बयान है वो बयान नहीं लिखे गए, जो हमारी कंप्लेन उसको दाब दी गई, अपनी मतलब मनमानी कंप्लेन लिखी गई, हम पढ़े लिखे नहीं, हमसे साइन करवा लिया गया। क्या चाहती हो आप? हम ये चाहते हैं, टंकी में ये चाह रहे थे, हमारे भाइयों को न्याय नहीं मिलेगा तो हम जान दे देंगे। गीता सिंह की नाराज की ये, गीता सिंह हमको उल्टा सील कल बुलवाया परसों थाने में 10 बजे 9 बजे रात में, तो वो हमको गंदी गंदी गाली दिया, दरोगा भी दिया, उन्हें भी दिया कि तुम्हारे भाइयों ने मर्डर कर दिया, उनको हम अंदर कर देंगे और तुम जाओ दूसरा आदमी ढूंढो जाके, दूसरा खसम कर। हम ये चाहते हैं कि हमारे भाई बेकसूर है, उनको न्याय दी जाए। क्या हुआ था? हमारे जो अपराधी है वो बाहर घूम रहे हैं, हमारे भाई बेकसूर थे, उनको अंदर कर दिया गया। किसने अंदर कर दिया? गीता मैडम ने। घटना क्या हुई थी, कितनी तारीख को घटना हुई थी? हमारे आदमी का मर्डर करा दिया गया, 2 लाख का लोन उठवाया हमारे आदमी के एडी में, 2 लाख का लोन उठवाया गया, उन्हीं के साथ में थे, उन्हीं के साथ से 27 तारीख को गए, पिछली 27 को इस तरह की गीता मैडम दे रही है डेट। और गीता मैडम ने 60,000 रुपया लिया अजय चौहान से, वो यहीं के गुजैनी के रहने वाले। किसके ऊपर आरोप लगा रही हो आप? दो शख्स थे हमारे, अजय चौहान और अजय चौहान के साथ में एक और है। शिकायत की थाने में तो क्या कार्रवाई हुई अभी तक? कार्रवाई, अजय चौहान को बुलाया गया, पूछ जांच किया गया, बंद किया गया, अंदर करने के बाद उसको ले दे के छोड़ दिया गया। छोड़ने के बाद चौकी से भी थाने से भी, उसके बाद में हमारे भाइयों को बुलवाया गया, 8 दिन थाने में रखा गया, हमको कोई
चली गई। घर से जब हमको जानकारी मिली हमारी भाईजाइयों ने फोन किया, हम जाओ वहाँ गए पूछने, तो गीता मैडम मुझको भगा दिया, गंदी गंदी गाली दिया, कह रहे कि तूने अपने भाई से मरवा दिया, अपने आदमी को मर्डर करवा दिया, जा अब दूसरी शादी कर जाके। गीता सिंह कौन आई है? गीता सिंह चौकी इंचार्ज है। आप क्यों चली थी आज? क्यों चली? गीता मैडम कह रही थी कि जाओ दूसरा आदमी ढूंढो जाके, तुम्हारे भाइयों ने मर्डर कर दिया, हमारे भाइयों को न्याय मिलना चाहिए। हमारे भाइयों कुछ नहीं, ऐसा कोई नहीं है, हमारे जो बयान है वो बयान नहीं लिखे गए, जो हमारी कंप्लेन उसको दाब दी गई, अपनी मतलब मनमानी कंप्लेन लिखी गई, हम पढ़े लिखे नहीं, हमसे साइन करवा लिया गया। क्या चाहती हो आप? हम ये चाहते हैं, टंकी में ये चाह रहे थे, हमारे भाइयों को न्याय नहीं मिलेगा तो हम जान दे देंगे। गीता सिंह के नाराजगी की ये, गीता सिंह हमको उल्टा सील कल बुलवाया परसों थाने में 10 बजे 9 बजे रात में, तो वो हमको गंदी गंदी गाली दिया, दरोगा भी दिया, उन्हें भी दिया कि तुम्हारे भाइयों ने मर्डर कर दिया, उनको हम अंदर कर देंगे और तुम जाओ दूसरा आदमी ढूंढो जाके दूसरा खसम। हम ये चाहते हैं कि हमारे भाई बेकसूर है, उनको न्याय दी जाए। ठीक है।